हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, मैं उषा और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से अमेरिका के एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी यहाँ की कुछ अनोखी चीज़ें। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर यहाँ के कुछ फ्री टू पब्लिक पार्क्स। हाँ, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी वो पेड पार्क के लिए थी, बट दिस पार्क जो आज मैं दिखा रही हूँ वो जो फ्री होते हैं, इवन टॉयलेट्स वहाँ होते हैं, अच्छे क्लीन टॉयलेट्स होते हैं, ऑल दिस इज़ फ्री, कोई भी जा सकता है, किसी को कोई चार्जेस, कोई पैसे, किसी भी तरह का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आ चुके हैं हम लोग एक पार्क में, और यहाँ पे जो एंट्री करते ही, जैसे वो ब्लू सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ब्लू और ग्रीन सेक्शन जो शुरू हो जा रहा है, दिस इज़ ऑल कुशन। मतलब अगर बच्चा इसमें गिर जाता है, इसके ऊपर गिर जाता है, उसको कोई चोट नहीं लगने वाली, एकदम कुशन है। मतलब अगर आप उस पर चल रहे हो तो यू कैन फील कि भाई हल्का सा कुशन है। सो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जो आप अगर यहाँ आते हो तो आपको फील होगा। ये सारे जो गेम्स हैं जिसमें बच्चे चढ़ते हैं, खेलते हैं, सब कुछ, ये सब इंक्लूडेड है, और मैं आगे जाके आपको दिखाने वाली हूँ। और बहुत सारे गेम्स हैं जो बहुत न्यू हैं, इनोवेटिव हैं, बच्चों को खेलने के लिए इनक्रेज करते हैं, कुछ नया ट्राई करने के लिए इनक्रेज करते हैं। दिस इज़ ऑलवेज मेंटेन, मतलब कभी कभार बहुत सारे बच्चे खेले या रेगुलर वेयर एंड टेयर के हिसाब से टूट जाती हैं बीच में, कभी कभी थोड़ा इरोड हो जाता है, तो उसको मेंटेन किया जाता है, वापस पेस्ट किया जाता है और वापस वैसे का वैसे बन जाता है। तो अगर ये ऊपर चढ़ते हुए बच्चे रोलों के नीचे आ जाए, उनको चोट नहीं लगने वाली। और हाँ, यहाँ पे पार्किंग भी फ्री है, वाटर बॉडीज़ है, छोटे मोटे फाउंटेन हैं जिसमें बच्चे आराम से खेलते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा कम्युनिटी हॉल है। अगर कोई पार्टी आपको प्लान करनी है तो आप उसमें प्लान कर सकते हैं, बट दैट विल बी पेड, उसके लिए पे करना है अगर आप कोई पार्टी उसके अंदर प्लान कर रहे हैं। बाकी पार्क में आप कोई भी पार्टी करें, कुछ भी करें, कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पर कई सारी जगह पे छोटा सा वाटर फाउंटेन वाला भी रहता है, ये सारे रॉक्स वाली जगह देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन वाला भी है जहाँ पर वो फ्रॉग है। और वाटर फाउंटेन हमेशा नहीं चलता है, उसके लिए एक बटन होता है, तो बच्चे जब चाहें तब जाके वो वाटर फाउंटेन चालू कर लेते हैं और खेलते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो अपने आप अराउंड 5 मिनट में बंद हो जाता है। सो दैट्स वेरी नाइस, ज़्यादा करके समर में काफ़ी बच्चे और बड़े उस फाउंटेन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए भी स्विंग्स होते हैं। अच्छा, बहुत छोटा है जो इस बड़े वाले स्विंग पे नहीं बैठ सकता, तो उसके लिए एक पूरा प्रोटेक्टेड स्विंग है जिसमें आराम से आप उसको बिठा दो, वो पूरा अंदर ब्लॉक रहेगा, निकल नहीं पाएगा। और किसी को बेल्ट करके स्विंग कराना, तो उसके लिए भी स्विंग है जिसमें बच्चा पूरा, चाहे उसको किसी कितना भी ज़ोर से करा दो वो गिरने वाला नहीं है। तो इस तरह के भी स्विंग्स हैं, ओपन स्विंग्स भी हैं, छोटे से बच्चों के लिए, 2 साल के अंदर वालों के लिए भी स्विंग है। और ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है, मतलब वॉक करने के लिए जगह है, बच्चों के खेलने के लिए जगह है, बैठने के लिए बेंचेस हैं, नीचे गेम्स बने हुए हैं और थोड़े म्यूज़िकल गेम्स भी हैं, लेट मी शो यू। और ये रहे कुछ म्यूज़िकल गेम्स, सी इट्स वेरी नाइस, बच्चे आते हैं, इसको उठाते हैं, सारे ये जितने उल्टे बाउल्स लगे हैं इनको बजाते हैं, और इनसे रिलेटेड बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है। इट्स वेरी नाइस, वन ऑफ अ काइंड ऑफ पार्क। यहाँ पे हर पार्क का एक नया सा थीम बना दिया जाता है, एक पार्क दूसरे पार्क से ज़्यादा सिमिलर नहीं होता कभी। और ये रहे ड्रम्स, उठाओ बजाओ, और सब बंधे हुए हैं, कोई तोड़कर भी नहीं लेके जाता है, तो आराम से आओ प्ले करो। और बच्चों को डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, आई थिंक हर पार्क में किसी ना किसी तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है डिफरेंट वैरायटी का, सो यू कैन कम अराउंड, बच्चों को छोड़ दो, जस्ट कीप देम वॉचिंग एंड कीप देम प्लेइंग। तो ये था आज का वीडियो, एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा फ्री टू पब्लिक पार्क जो अमेरिका में है। आई होप इससे आइडियाज़ लेके काफ़ी जगह पे लोग ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो पब्लिक के काम आए और सब लोग सोशलाइज हों, स्पेशली पैंडमिक जैसे टाइम पर ज़्यादा लोग बाहर जाकर खेल सके। दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपको और जगह एक्सप्लोर करनी है यहाँ पर और क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू, बाय बाय।